कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो है दही वाली मिर्चें। एक तो हैदराबादी मिर्चें होती हैं, वो नहीं है ये बिल्कुल अचारी टाइप की हरी मिर्चें हैं जो आप दाल सब्जी के साथ बहुत मज़े लेके खा सकते हैं। हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मेरे पेज पर है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दही वाली हरी अचारी हरी मिर्च। मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन चिली ऑब्वियसली। तो ये मैंने 30 से 35 हरी मिर्चें ले ली हैं। आधा कप मैंने योगर्ट ले लिया है। इसके अलावा बघार में मैं कड़ी करी लीव्स डालूंगी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून रायदाना और 1.5 टीस्पून कलौंजी। एक लेमन हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके अलावा सॉल्ट है, कुटा भुनावा धनिया है और 1.5 से 2 टेबल स्पून सौंफ है जिसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा, और थोड़ा सा मैं काला नमक डालूंगी। आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें काला नमक और लेमन जूस यूज़ करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम हरी मिर्चों में कट लगा लेंगे इस तरह से बीच में से। मैं एक पैन ले लूँगी, इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम मैं ऑयल डालूंगी क्योंकि ऑयल में ही ग्रीन चिली अचार रहता है ज़्यादा, तो ज़्यादा जितना ऑयल होगा उतना ज़्यादा सस्टेन करता है, तो मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मैंने ऑयल में अभी थोड़ा सा ऑयल डाला है, मैं इसमें मिर्चें फ्राई करके निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं इसमें और आधा कप अभी डाला है, आधा कप बाद में डाल दूंगी क्योंकि मुझे थोड़े से ऑयल में ग्रीन चिली फ्राई करके निकालनी है। हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। फ्राई करके निकाल ली है और इसमें मैंने आधा कप और ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं ये जो बघार मैंने निकाला हुआ है, राई और कलौंजी, जीरा और कड़ी पत्ता, ये मैं डाल दूंगी। ये मेरा बघार हो गया है, बस एक से दो मिनट के लिए मुझे फ्राई करना था। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी और ये जो कुटी हुई सौंफ मैंने की थी 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा काला नमक वो डाल दूंगी। कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा मैं सॉल्ट टू टेस्ट। मैं थोड़ी देर भूनूंगी, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए उसके बाद फिर मैं इसमें ये मिर्चें ऐड कर दूंगी। देख लिए थोड़ा सा मसाला हमारा गाढ़ा हो गया है, अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। डाल दी है इसको, बस मैं 2-3 से 4 मिनट दम देके उसके बाद मैं डिश आउट करूंगी। मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं, ये हमारी मिर्चें हो गई हैं। इसके अंदर मैं लीमू, हाफ लीमू मैं निचोड़ दूंगी, आपको जितना खट्टा चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। हमारी दही वाली अचारी मिर्चें रेडी हो गई हैं। आप इसको दाल से खाएं, सब्जी से खाएं, नाश्ते में पराठे से खाएं, बहुत मजे की लगती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। चलिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।